लेकिन हार्दिक, जब आप जिम्मेवारी की बात करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं कि इट शुड बी क्लियर कि आपकी जिम्मेवारी क्या है एज गुजरात कांग्रेस प्रेसिडेंट, तो आप कैसे कह सकते हैं दैट आपकी नाराजगी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी से नहीं है? डिसीजन तो वही लेते हैं, लीडरशिप तो वही है कांग्रेस की सेंटर में, तो आपकी नाराजगी फिर किससे है कांग्रेस में? देखिए, मैंने कुछ दिन पहले, जब 15-20 दिन हो गए जब राहुल जी का मैसेज था कि इश्यू क्या है, तो मैंने उनको अपनी बात मैंने ईमानदारी से रखी थी। फिर मैं महासचिव वेणुगोपाल जी से भी मिला था, उनके सामने भी अपनी बात रखी, उन्होंने भी कहा गया सही बात है, आर यू वर्किंग प्रेसिडेंट, तो तुम्हारी जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। 15-17 दिन हुए राहुल जी अभी अभी गुजरात आके गए, लेकिन काफी व्यस्त थे मुझे ऐसा लगा, और इसी लिए कोई खुल के बात नहीं हो पाई। लेकिन जब वो फ्री हो जाएंगे, और अभी तो चिंतन शिविर भी है उदयपुर में, आशा रखता हूँ कि चिंतन शिविर के बाद गुजरात में गुजरात के मुद्दों को लेकर खुल के कोई बातचीत हो जाएगी, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और हमने तो कहा ही नहीं कि हम पार्टी छोड़ देंगे, ये तो अफवाह चलती रही थी। और देखिए, जब राजनीति में अब जो सामने वाली पार्टी होती है उसकी भी कई प्लान पे, उसकी स्टैंड पे हमें नजर रखनी चाहिए, तो मैंने अपनी बात एक दिन रख दी, तो लोग अलग अलग अफवाह पहले आम आदमी पार्टी की फैला रहे। लेकिन क्या ये सच है कि जब राहुल गांधी गुजरात आए थे अभी, आपके साथ उन्होंने अलग मुलाकात नहीं करी? ये कुछ रिपोर्ट हमारी कोई बात नहीं हुई है, क्योंकि वो व्यस्त थे। देखिए, वो 4-5 घंटे का कार्यक्रम था, तो इसमें पब्लिक रैली थी, एमएलए के साथ मीटिंग थी, आदिवासी के प्रमुख लोगों के साथ बैठक थी, तो आपके साथ अलग बातचीत नहीं हुई उनकी? नहीं, उस टाइम तो नहीं हुई, स्वाभाविक है कि टाइम नहीं मिलता ना, क्योंकि 5-6 घंटे का समय था लगातार, जल्दी जल्दी सब मीटिंग में निपटानी होती है। हार्दिक जी, टाइम कब मिलेगा? चुनाव तो 6 महीने के बाद है, फिर टाइम कब मिलेगा? आपको लगता है जी कि शायद चिंतन शिविर के बाद, आपको चिंतन शिविर से क्या उम्मीद है? मतलब कि आप चाहते हैं कि राहुल गांधी को वापस कांग्रेस प्रेसिडेंट बनना चाहिए या नहीं, आपका क्या राय है? मेरी व्यक्तिगत राय अगर आप पूछेंगे तो मैं जरूर ये कहूंगा बिल्कुल उनको बनना चाहिए। और मान लीजिए कि पार्टी के भीतर क्या प्लान होते होंगे, क्या तैयारी होती होगी, वो तो हम स्वाभाविक है कि स्टेट के पॉलिटिकल काम करते हैं, तो हमें दिल्ली का ज्यादातर नॉलेज नहीं होता, और मैं दूसरे पॉलिटिशियन की तरह वो दिल्ली में बैठकर वहां झांकने की मुझे आदत भी नहीं हो रही, मेरा काम भी नहीं है। मैं तो लगातार लोगों के बीच रहता हूँ, और मेरा कोई गॉडफादर दिल्ली में नहीं बैठा कि मैं उसको जाके बोल दूंगा अभी मेरा ये काम कर दो। मुझे तो अपने मेरिट पे काम करना है, मुझे अपने मेरिट पे आगे बढ़ना है, तो वही काम मैं कर रहा हूँ। लेकिन चिंतन शिविर से जरूर कोई कंक्लूजन निकलेगा, चाहे देश के लेवल पर, हर स्टेट के लेवल पर, और भरोसा है कि जिस हिसाब से 3 दिन की चिंतन शिविर रखी है, तो जरूर एक नए प्लान के साथ, एक नई चिंता के साथ, एक नए डेवलपमेंट के साथ लोगों के बीच आएंगे, लोग कांग्रेस पार्टी को पसंद करेंगे।